आपका है निशा के साथ? स्टेटस क्या है? I'm in love. और मैं निशा से शादी करना चाहता हूँ. भैया, really? पापा वो भैया बस ऐसे ही. तो तुम्हें प्यार हुआ है किसी से और उससे तुम शादी करना चाहते? पापा वो यस या नो? यस. शादी का मतलब जानते हो तुम निर्माण? दो लोगों का साथ में रहना सिर्फ शादी नहीं होता, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. जहां तक जिम्मेदारी की बात है तो वो तो मैंने तुम्हें दी थी, अपने बिजनेस में इन्वॉल्व किया, लेकिन तुमने मुझे निराश किया. जलसा की कंस्ट्रक्शन का काम दिया लेकिन वहां तुमने 100 गलतियां कर दी. इतनी सी जिम्मेदारी तो तुम निभा नहीं पाए, तो तुमने ये कैसे मान लिया कि तुम्हारे पास इतनी काबिलियत है कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला तुम ले सकते हो? और हां, जहां तक इस लड़की का सवाल है, जानते भी हो ये कौन है, क्या बैकग्राउंड है, क्या परिवार है, क्या एजुकेशन है? मुझसे कंसल्ट किए बगैर तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया कि तुम उस लड़की से शादी करोगे? पापा, मैं जानती हूँ निशा को, अच्छी लड़की है वो. तुम मिली उसे? नहीं पापा, बट मुझे कल रात को निशा ने ही फोन किया था. उसी ने निर्वाण भैया के बारे में बताया. अगर उसने कॉल नहीं किया होता तो पापा, आई फील निशा इज लकी फॉर भैया. आपको एक बार मिल लेना चाहिए उससे. मिलने की क्या जरूरत है? तुमने बोल दिया है तो ओके ही होगी वो लड़की तुम्हारे पापा के लिए. हो गया, बाप बेटी ने मिलकर फैसला तो कर ही लिया है. मैं बस अपने बेटे की शादी में आ जाऊंगी सच धज के, सिर्फ मां कहलाने के लिए. मैं हर बार मां का दिल दुखा देती हूँ. मुझे कंचन को लोगों से बचाना होगा, वो ठीक नहीं लग रही थी. सुमति, क्यों बिगड़ रही हो सुबह सुबह? तुम्हारे बेटे ने तो हमें कुछ बताया नहीं, जो बताया सिर्फ नियति ने बताया. मुझसे ज्यादा निर्वाण पर और उसकी पसंद पर नियति को भरोसा है. हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि हमारा बोलना ठीक नहीं है और तुम्हें जाके उस लड़की से मिलना, उसके परिवार से मिलना और डिसाइड करना है कि क्या निर्वाण के लिए सही है और क्या गलत, तो तुम डिसाइड कर लो, हम हट जाते हैं बीच में से. मेरा वो मतलब नहीं था साहब. मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि शादी ब्याह के फैसले घर के बड़ों को मिलकर लेने चाहिए, ना कि बच्चों की बातों पर भरोसा करके. माता रानी, वो लड़की अच्छी ही हो तभी माँ खुश होंगी, और माँ खुश है तो मैं भी खुश हूँ. मॉर्निंग बेटी साहब, सॉरी मैंने आपका फैमिली मोमेंट डिस्टर्ब कर दिया. लड़की की जान बचाने के चक्कर में अपनी जान से जाएगा ये लड़का. बहुत शैतान है आप, बहुत बदमाश. मैंने आपसे कहा था ना
ऊपर फोन मत कीजिएगा, लेकिन फिर भी आपने किया और उन्हीं के कहने पर मैं आया हूं। उन्होंने मुझे कहा है कि कोई आई विटनेस है जो वो स्केच बनवाने में हमारी मदद कर सकती है, लेकिन यहां तो आप लोगों के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा है। कौन है वो ऑफिसर? वो ऑफिसर पृथ्वी खन्ना एक बार समझाता है, लेकिन हमेशा के लिए। अगली बार जब आप हमारे जलसा आए तो तमीज साथ लेकर आए और इज्जत लेकर जाए, लेकिन अगर तमीज साथ लेकर नहीं आए तो पृथ्वी खन्ना से इज्जत की उम्मीद मत करना। क्या बोल रही थी नियति तुम? पापा वो अक्षत लेने गया कंचन को, मैं फोन करके चेक करती हूँ कहाँ। अब क्यों नाराज है आप? अपने हाल पर। नियति किसी को ला रही है जिसने उस औरत को देखा है, ये बात बताना तक जरूरी नहीं समझा आपकी बेटी ने मुझे। सुमति, जिस दिन नियति को तुम सिर्फ मेरी बेटी ना मानकर अपनी बेटी भी मान लोगे, उस दिन नियति मुझे हर बात बताने से पहले तुम्हें बताएगी। पापा अक्षत फोन नहीं उठा रहा और कंचन का नंबर नहीं है मेरे पास। मेरे साथ आओ। हाँ तो अब आपकी राय में क्या करना चाहिए मिस खन्ना? कल तो आपसे कानून सीखने के चक्कर में हमने आपकी फ्रेंड कंचन का एड्रेस भी नहीं लिया। सब मुझे पता है वो कहाँ रहती है। एक लॉयर के साथ साथ आप में एक डिटेक्टिव के गुण भी हैं। आपने फिर से कमिश्नर साहब को फोन किया क्या? जस्ट जोकिंग। हाँ दुबे, गांधीनगर किडनैपिंग केस, मनोहर को भेज दो। कमिश्नर साहब के कहने पर मैं एक मर्डर केस सॉल्व करने आया हूं, उसे बोलो मुझे रिपोर्ट करे। ओके। क्या कह रही थी आप, कहां रहती है आपकी सहेली ये कंचन? गांधीनगर। लगता है राठौड़ की कुंडली में गांधीनगर जाना लिखा है आज। भैया कैसे है? मुझे मुझे ऐसे क्यों बांधा? अक्षत मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अक्षत मुझे हमें किडनैप करके ऐसी जगह क्यों ले जाएगा? कोई है? अभी ऐसे भाग के क्यों रखा है? और कौन तुम? तुम दोनों की मौत। ये किसकी आवाज है? पर क्यों? हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा?
शौक है ना तुम्हें अक्षत सुपर हीरो बनने का, अब बेवजह ही भुगतना पड़ेगा। और ये लड़की, इसकी गलती ये है कि इसने वो देख लिया जो इसे नहीं देखना चाहिए था। इतनी कम उम्र में तुम दोनों को ही इस दुनिया से जाना होगा। कोई आखिरी ख्वाहिश? प्लीज हमको छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हमें छोड़ दो। मेरा एक छोटा भाई है और एक बीमार माँ, उनका इकलौता सहारा हूँ मैं, प्लीज छोड़ दो मुझे। शिव जी रक्षा कीजिए, शिव जी रक्षा कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता नियति, खाओ यार। नियति मैं कंजूम को अपना जलसा लेके नहीं पहुंचा, ये सोच मुझे फोन कर, मेरा फोन ट्रैक करके तू यहाँ पहुंच सकती है। नियति प्लीज बचा ले यार। बस बस यहीं पर, कंचन यहीं कहीं रहती है, कल रात को हमने उसे यहीं छोड़ा था, किडनैपिंग भी यहीं पर हुई। मुझे तो लगता है कि इन दोनों चीजों में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। आपको तो पुलिस में होना चाहिए था मिस, बस एक कमी, हम पुलिस वाले सोचने से पहले सबूत ढूंढते। चलिए पता करते, आइए। ओ बिल्डर जी। सर ये कंचन नाम की लड़की का घर कहाँ है? हो रहा कंचन का सर। आंटी मैं नियति, वो कल रात कंचन मेरे घर की पार्टी में आई थी, वो कहाँ है? कंचन को किसी ने अगवा कर लिया है, कुछ लोग आए थे। मैं देखती हूँ माँ। कौन है, कौन है? आपकी थ्योरी फिर सच होगी। कंट्रोल रूम। यस सर। गांधीनगर में जो किडनैपिंग हुई है उसके बारे में कोई लीड मिला? अभी तक नहीं सर। वारंट चेक करो और मुझे अपडेट करो। ओके सर। ओवर। आंटी आंटी आप धीरज रखिए, देखिए पुलिस भी आ गई है, कंचन जल्दी मिल जाएगी। नहीं बेटा, पुलिस वाले हम गरीबों की कहां सुनते हैं। हाँ, तुम्हारी जरूर सुनेंगे। यहाँ ना मैं तुम्हारे पापा का, हाँ मिस्टर खुराना है ना, तुम प्लीज उनसे कह के एक पुलिस वालों पे थोड़ा जोर डलवा दो ताकि वो कंचन को जल्दी से ढूंढे। किस हाल में होगी मेरी माँ? कंचन ने अपनी माँ को हमारा गलत सरनेम क्यों बताया? तुम कहोगे ना उनसे? जी आंटी जी, मैं पापा से बात कर लेती हूँ और आप चिंता मत कीजिए, कंचन जल्दी घर आ जाएगी। ठीक है। मैं तो भूल ही गई, अक्षत कंचन को लेने यहाँ आने वाला था, पर अब वो भी फोन नहीं उठा रहा। कहीं अक्षत भी कंचन की तरह। कंचन, मेरे पास एक आइडिया। बोलो। हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। कैसे अक्षत? ये
चॉकलेट? ये चॉकलेट नहीं है, जान बचाने की तरकीब है। क्या बोल रहे हो अक्षत, हम चॉकलेट से कैसे बाहर निकलेंगे? ये चॉकलेट मैं तुम्हारी तरफ फेंकूं, तुम्हारे हाथ में जो रस्सी बंधी है उस पर ये चॉकलेट लगा देना। ये जितने चूहे दिख रहे हैं वो चॉकलेट खाने के लिए तुम्हारी तरफ आएंगे और काटते काटते रस्सी काट देंगे। ये पकड़ो। थोड़ा सा करो अक्षत, आखिरी मौका बचा है अक्षत। मेरे ख्याल से आपको घर चले जाना चाहिए मिस खन्ना, मैं आपको घर ड्रॉप करने का इंतजाम कर देता हूँ। नो सर, अक्षत मेरा दोस्त है और कंचन मेरी फैमिली की हेल्प करने वाली थी, मैं उन्हें इस सिचुएशन में डाल के खुद घर नहीं जाना चाहती। चलिए फिर। अक्षत, अक्षत छुआ आया। स्टॉप 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 स्टॉप, वो पीछे पीछे पीछे। ये तो मेरी कार है जो अक्षत ले गया था, और वो निशान खून के हैं। खून? इसका मतलब यहाँ कोई क्राइम हुआ है या होने वाला है। अक्षत कहाँ है? अक्षत, अक्षत, उनके फोन की लोकेशन ट्रेस हो गई है। क्या? अक्षत और कंचन इसी एरिया के 500 मीटर के रेडियस में ही। अक्षत, अक्षत तुम्हारा आइडिया काम कर गया, चूहा रस्सी काट रहा है, बस थोड़ी देर और अक्षत। तुम एक मिनट मत, बस उन्हें अपना काम करने दो। अक्षत हम अब बच जाएंगे, अक्षत बस रस्सी कटने वाली है, बस दो मिनट। जीने की उम्मीद में तुम लोगों को तड़पता देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। कौन है तुम? पर अब मनोरंजन का वक्त खत्म। बेवकूफों, मैं तुम लोगों को सुनी नहीं देख भी सकती हूँ। कौन से सकती है? लगता है तुम लोग फिल्में बहुत देखते हो। चूहे से रस्सी कटवाकर भागने की सोच रहे थे। शंभू और मोहन से भी बुरी मौत दूंगी मैं तुम्हें। मोहन भैया को मार दिया, इसलिए मोहन भैया मिल नहीं रहे कहीं पे। अक्षत, तुम ठीक हो ना? प्लीज हमें जाने दो, हमने हमने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? हमें हमें प्लीज छोड़ दो, हम प्रॉमिस करते हैं कि बाहर जाके पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे पक्का। तेरा बाप